हेलो फ्रेंड्स माई सेल्फ विनय मिश्रा वर्किंग एज ए फैकल्टी इन मैकेनिकल डिपार्टमेंट ऑफ अम्बालिका इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी एफिलेटेड विद ए के टी यू टूडे वी आर गोइंग टू हैव अ डिस्कशन फॉर द सब्जेक्ट दैट इज़ थर्मोडाइनमिक्स बेसिकली ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स और इससे पहले हम लोगों ने कुछ लेक्चर्स देखे उसमें हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के बारे में पढ़ा साइकिल के बारे में पढ़ा फर्स्ट और थर्न ड्राइविक्स साइकिल के लिए कैसे होती है प्रोसेस के लिए कैसे होती है ओपन सिस्टम के लिए कैसे हम लोग यूज़ करते हैं क्लोज सिस्टम के लिए कैसे हम लोग फर्स्ट और थर्न ड्राइविक अप्लाई होती है और अलग अलग एग्ज़ाम्पल लेकर के देखे हम लोगों ने हाँ uh, कंप्रेसर पे अप्लाई किया और रेसिप्रोकेटिंग uh, कंप्रेसर पे अप्लाई किया हम लोगों ने और भी कुछ एग्जांपल लेकर के चले जिस पे हम लोगों ने देखा के फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की जो इक्वेशन है वो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन बेसिकली वो कैसे अप्लाई किया और कुछ न्यूमेरिकल्स देखे हम लोगों ने और आज कुछ आगे हम लोग बात करते हैं उसके लिए जो तो कुछ टॉपिक हम लोग के बचे हुए थे उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के लिमिटेशन के बारे में <coughs> अगर लिमिटेशन uh, की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं पहले कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्निडा में ये कहा गया कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म यानी लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्नडाइनमिक्स पूरा बेस्ड है जिसमें एनर्जी ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ना ही इसको क्रिएट किया जा सकता है उसको सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है और प्रोसेस के बारे में हम लोगों ने देखा कि अगर प्रोसेस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो जितने अमाउंट ऑफ सॉरी हीट हम देते हैं सिस्टम को वो हीट दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है एक तो इंटरनल एनर्जी चेंजिंग इंटरनल एनर्जी में वो बॉडी की इंटरनल एनर्जी बढ़ा देता है या चेंज कर देता है और दूसरा पार्ट जो है वो वर्क डन यानी जो आपने हीट इनपुट दिया वो किसी प्रोसेस के लिए इंटरनल एनर्जी उसने चेंज किया और वर्क आउटपुट में चेंज हुआ अगर वो साइक्लिक प्रोसेस है तो इनपुट आउटपुट सेम हो जाएगा यानी इनिशियल फाइनल सॉरी इनिशियल और फाइनल स्टेज उसकी बराबर हो जाएगी चेंज इन इंटरन एनर्जी उस केस में ज़ीरो हो जाएगी तो हम ये कहेंगे कि साइक्लिक प्रोसेस के लिए नेट अमाउंट ऑफ जो वर्क हीट आपने दिया है वो कन्वर्ट होकर के वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए नेट अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम इज इक्वल टू नेट वर्क ट्रांसफ़र या नेट हीट ट्रांसफ़र इज इक्वल टू नेट वर्क ट्रांसफर इसके बारे में हम लोगों ने बात किया ओपन सिस्टम के लिए भी हम लोगों ने डिस्कशन किया लेकिन अब ये प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि फर्स्ट लॉ ने ये तो बता दिया कि हीट का ट्रांसफर होता है वर्क में लेकिन कुछ चीज़ें नहीं बताई उसने जैसे पहले सबसे पहला पॉइंट द लिमिटेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थनोडानिक्स इज दैट इट डज नॉट से एनी थिंग अबाउट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट अगर हम बात करें कि डायरेक्शन कैसे होगी हीट की तो उसके बारे में ये फर्स्ट लॉ थमिक्स हम लोग को नहीं बताता है होता क्या है बेसिकली हमें पता है कि जो हीट है अगर बॉडी है हमारे पास अगर हमारे पास दो बॉडी ये है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो हीट अगर इन कॉन्ट इनको कांटेक्ट किया जाए इन कांटेक्ट में लाया जाए आपस में तो होगा क्या हीट हमेशा फ्लो करेगी हाई टेंपरेचर से लो टेम्परेचर को अगर ए भी है तो ए भी कर देते हैं इसको हीट हमेशा फ्लो करेगी हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेपरेचर बॉडी को ऐसा कभी नहीं होगा कि हीट अपने आप बिना किसी एक्सटर्नल वर्डन के या कि बिना किसी एडिशनल इफेक्ट के हीट बी से ए को जाए स्पॉन्टेनियसली यानी अपने आप कभी भी हीट का फ्लो बी से ए को नहीं हो सकता है क्यों नहीं हो सकता इसको फसलों ने नहीं बताया ठीक है तो बेसिकली फसलों ने हमें पहली चीज़ क्या नहीं बताई कि फ्लो ऑफ हीट कैसे होगा किस कंडीशन में आ, किस टेम्परेचर से बॉडी को किस टेम्परेचर के बॉडी को जाएगा किस टेम्परेचर से बॉडी से किस टेम्परेचर को बॉडी को नहीं जाएगा ये बेसिकली हमारी लिमिटेशन सी फर्स्ट लॉ की जो हमें नहीं पता चला इसको हमने आ, पता किया सेकेंड लॉ थ में दूसरी चीज़ देखते हैं इट डज नॉट टेल द पॉसिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस अगर हम लोग पॉसिबिलिटी देखें प्रोसेस की तो उसने ये तो कह दिया फर्स्ट लॉ ने फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग कि टोटल अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज इक्वल टू नेट अमाउंट ऑफ वर्क ट्रांसफर फॉर साइक्लिक प्रोसेस लेकिन अगर इसको हम थोड़ा सा और देखें तो हम लोग देखते हैं कि अगर सिंपली एक एग्जाम्पल लें हाथ का ठीक है तो अगर हाथ को हम रगड़ दें ऐसे करके तो वर्क हम लोगों ने किया और वर्क का कन्वर्जन हो गया हीट में कैसे हुआ आप देखेंगे हल्का सा हाथ हमारा हीट अप हो जाएगा टेम्परेचर उसका थोड़ा सा बढ़ जाएगा हम लोग सर्दियों में भी हाथ को ऐसे इस तरीके से करते हैं ताकि हमें सफिशेंट अमाउंट ऑफ थोड़े से अमाउंट ऑफ़ हीट आपको मिल पाए तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि वर्क का कन्वर्जन हीट में हुआ टेम्परेचर थोड़ा सा राइज कर गया ठीक है ये तो प्रोसेस हो गया ठीक है फर्स्ट लॉ ने कह दिया ओके लेकिन अगर इसका रिवर्स देखें अगर इस हाथ में हीट को हम दें तो क्या ये हाथ आपस में फिर से रगड़ने लगेगा अपने आप ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा इसका मतलब कि अगर हम लोगों ने हाथ को रगड़ा है वर्क किया है तो उसका कन्वर्जन हीट में हुआ है टेम्परेचर बढ़ गया है लेकिन इसका रिवर्स अगर हम जो हीट निकली थी इसका टेम्परेचर जो बढ़ा था अपने आप टेम्परेचर बढ़ा दें हम रिवर्स करें इसका तो होगा क्या ये अपने आप हाथ वर्क करने नहीं लगेगा ठीक है होगा क्या ये प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं हो ठीक है तो इसके बारे में फर्स्ट लॉ ऑफ थानिक्स ने नहीं बताया है कि वो प्रोसेस पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है इसके बारे में उसने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी दूसरा एग्ज़ाम्पल ले अगर एक बुलेट का एग्ज़ाम्पल लें हम लोग तो अगर वो किसी वॉल पे अगर फायर किया जाता है तो कन्वर्जन होता है कनेटिक एनर्जी का हीट एनर्जी में वहाँ पे जिस वॉल पे वो फायर किया जाएगा तो वहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा हीटअप हो जाएगा उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा वहाँ पर भी सेम प्रोसेस होता है कन्वर्जन हुआ कनेटिक एनर्जी का हीट एनर्जी में उल्टा अगर कर दें रिवर्स अगर किया जाए तो क्या पॉसिबल होगा अगर उस बुलेट का या वॉल का टेम्परेचर हम बढ़ा दें जितना बढ़ा हुआ था कनेटिक एनर्जी के चेंज होने की वजह से तो क्या वो बुलेट फिर से निकल करके वापस आ जाएगी अपनी जगह बिल्कुल नहीं आएगी यानी पॉसिबिलिटी नहीं है कुछ प्रोसेस की पॉसिबिलिटी नहीं है ठीक है तो इसके बारे में हमें नहीं बताता है फर्स्ट लॉ इसके बारे में हमें कौन बताता है सेकंड लॉ थोडा तीसरा पॉइंट देखते हैं इट डज नॉट टेल दैट वाई हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड फुल्ली इन टू वर्क अगर हम लोग एग्जाम्पल लें हीट इंजन की हम लोग देखते हैं कि हंड्रेड परसेंट एफिशेंट एफिशेंसी पॉसिबल नहीं है यूनिवर्स में किसी भी मशीन की किसी भी डिवाइस की या इंजन की यानी जो अमाउंट ऑफ हीट आप दे रहे हैं और जो अमाउंट ऑफ वर्क वो इंजन कर रहा है वो बराबर नहीं हो सकता है ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर ये इंजन है अगर आपने क्यू अमाउंट ऑफ हीट दिया है तो डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क इक्वल नहीं हो सकता है क्यू अमाउंट ऑफ हीट के आउटपुट विल नेवर इक्वल टू इनपुट अगर ऐसा होगा तो इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 100%, परसेंट जो कि कभी पॉसिबिल ही नहीं है यानी हीट कैन नॉट बी फुल्ली कन्वर्टेड इन टू वर्क डन सम अमाउंट ऑफ रिजेक्शन शुड बी देर और ये चीज़ नहीं बताता है फर्स्ट लॉ थर्मोडाइनमिक्स ये कौन बताता है ये हमें बताता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडानोमिक्स अगर बॉल अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें अगर बॉल को ऊपर से हम किसी हाइट से फेंकें तो वो रिटर्न होकर के कभी भी उतनी हाइट पे कभी नहीं आएगी उसका जो डिस्टेंस वो हमेशा कम होता चला जाएगा आपस में फिर आखिरी में वो आगे चली जाएगी तो हम लोग देखते हैं इस तरीके से कि पूरी तरीके से एक कन्वर्जन हीट का वर्क में कभी नहीं हो सकता है यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है एंट्रोपी का जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंट्रोपी के कॉन्सेप्ट को भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्नोडाइनमिक्स नहीं बताता है जिसको हमें पता चलता है सेकेंड लॉफ थर्नोडाइनमिक्स में तो इस तरीके से कुछ लिमिटेशन हैं जिसको सेकेंड लॉ ऑफ थर्नोडाइनमिक्स में रिमूव किया गया है और उसको कुछ आने वाली क्लासेस में हम लोग समझेंगे थ्रॉटलिंग प्रोसेस थ्रॉटलिंग प्रोसेस क्या होता है इसका दूसरा नाम है आइजन थेल्पिक प्रोसेस यानि एक्जैक्टली exactly होता क्या है थ्रॉटलिंग प्रोसेस इन्वॉल्व द पैसेज ऑफ अ हायर प्रेशर फ्लूड थ्रू अ नैरो कंस्ट्रक्शन द इफेक्ट इज द रिडक्शन इन प्रेशर एंड द इंक्रीज इन वॉल्यूम होता क्या है ये हमारा कोई कंट्रोल वालू हम लोग ले रखा है ये वॉल्व है इनपुट फ्लो हो रहा है फ्लूट का यहाँ से फ्लो हो सकता है फ्लूट का ये एक वॉल लगा हुआ है अगर वॉल फुल्ली क्लोज है तो यहाँ से फ्लूट का इंट्रैक्शन नहीं हो पाएगा फ्लूट यहाँ से नहीं निकल पाएगा लेकिन अगर इस वॉल को थोड़ा सा खोल दें थोड़ा सा ओपन कर दें ओपनिंग थोड़ी सी रखें तो होगा क्या ठीक है ये फ्लूट ये थोड़ा सा अमाउंट ऑफ फ्लूट यहां से यहां तक जाएगा ये स्टेटमेंट ये कह रहा है वो कह रहा है रिडक्शन इन प्रेशर एंड द इंक्रीज इन वॉल्यूम प्रेशर रिड्यूस हो रहा है यहां से कंपैरिजन करें यहां का तो प्रेशर काफ़ी अमाउंट में रिड्यूस होगा एंड इंक्रीज इन वॉल्यूम बहुत ही अगर यहां पर प्रेशर बहुत ज़्यादा है और रिस्ट्रिक्शन से फ्लो किया है तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा दिस प्रोसेस इन दिस प्रोसेस होगा क्या इस प्रोसेस में दिस प्रोसेस इज एडियाबेटिक एडियाबेटिक का मतलब क्या है यहां पे हीट का इंट्रैक्शन हीट का इंट्रैक्शन सब सिस्टम और सराउंडिंग में नहीं हो रहा है अगर हम लोग मान के चल सकते हैं डेल्टा क्यू की वैल्यू यहाँ पे जीरो है एडिबैटिक प्रोसेस नो हीट फ्लोज फ्रॉम एंड टू द सिस्टम देर इज नो हीट इंट्रैक्शन बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग बट इट इज नॉट रिवर्सिबल रिवर्सिबल नहीं दिस इज हाईली इिवर्सिबल प्रोसेस इट इज़ नॉट एन आइजेंट्रॉपिक प्रोसेस ट्रॉपिक प्रोसेस भी नहीं कहेंगे इसको क्योंकि आइजेंट्रॉपिक प्रोसेस में आइजेंट्रॉपिक प्रोसेस इज बेसिकली रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस तो अगर रिवर्सिबल नहीं है तो ये एजेंट ट्रॉपिक भी नहीं होगा क्योंकि एजेंट्रॉपिक होने के लिए प्रोसेस का रिवर्सिबल होना जरूरी है रिवर्सिबल आइडियाबैटिक प्रोसेस इज नोन एज आइजेंट्रॉपिक प्रोसेस यहां पे अब देखते हैं इस इक्वेशन को ये फर्स्ट लॉ इक्वेशन है इसमें क्या किया है सेम लेवल इनपुट आउटपुट Z1 इक्वल टू जेड टू तो ये एक टर्म हमारा जीरो हो जाएगा वेलोसिटी का इसमें कोई रोल नहीं है बेसिकली तो चेंज इन कनेक्टिक एनर्जी को भी हम लगभग जीरो लेके चल सकते हैं डब्ल्यू एक्स वैल्यू जीरो है क्यों क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरीके का हीट आ, वर्क ट्रांसफर नहीं हो रहा है किसी भी तरह का हमें जैसे टर्बाइन रोटेशन के फॉर्म में हमें आ, वर्क आउटपुट मिलता है उसी तरीके से किसी भी तरीके का ना ही हम वर्क इसको दे रहे हैं और ना ही हमें सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क इससे मिल रहा है तो हम कह सकते हैं डब्ल्यू एक्स की वैल्यू जीरो की वैल्यू जीरो हम लोगों ने पहले डिस्कशन किया दिस इज आइडियाबेटिक प्रोसेस तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी जीरो अगर ये वैल्यू जीरो होगी दैट मीनस एनथेल्पी एट वन एट पॉइंट वन इज इक्वल टू एनथेल्पी एट पॉइंट टू यानी थेलपी ऑफ अ सिस्टम रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग थ्रोटलिंग प्रोसेस सो इसका दूसरा भी कह सकते हैं द प्रोसेस इन विच द एनथेरेपी ऑफ अस्टम रिमेन कॉन्स्टेंट इज नोन एस थ्रोटलिंग प्रोसेस या इसीलिए इसको कहते हैं आइजन थेल्पिक ठीक है यानी एनथेरेपी जिस प्रोसेस में कॉन्स्टेंट है उसे हम कहेंगे दिस इज आइज एनथेल्पिक प्रोसेस तो यहां पर हमें एच वन इज टू एच टू मिल गया आगे चलते हैं वाटर वाटर टर्बाइन आपको पता है हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन किया है इसके बारे में कि वाटर टर्बाइन इज बेसिकली अ डिवाइस विच इज़ यूज टू कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इन टू अनदर फॉर्म बेसिकली वाटर टर्बाइन को हम हाइड्रोलिक टर्बाइन भी कह सकते हैं यहाँ पर होता क्या है सबसे पहले वाटर को काफ़ी हाइट पर स्टोर किया जाता है डैम में हम लोग देखते हैं काफ़ी तो पानी को पानी भरा रहता है डैम के एक तरफ ताकि वाटर को स्टोर किया जा सके एट वेरी हाई हाइट इससे होगा क्या जब लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को काफ़ी हाइट तक स्टोर किया जाएगा तो एनर्जी तो हमारी स्टोर हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच या एम जी जेड मास जी इज नाइन पॉइंट एट एंड जेड इज टू हाइट तो इस तरीके से देखते हैं यहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर कर ली जाती है डैम के द्वारा इन द फॉर्म ऑफ हाइट इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और वो जब वाटर बहुत ही ज़्यादा हाइट से टरबाइन के ब्लेड के ऊपर फ्लो करता है इम्पैक्ट होता है और टरबाइन के ब्लेड अगर रोटेशन के लिए फ्री हैं तो टर्बाइन का ब्लेड रोटेट करेंगे और उस रोटेशन का यूज़ हम लोग कर सकते हैं जनरेटर के इनपुट को रोटेट करवाने के लिए जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं यहाँ पर है क्या बेसिकली ये टर्बाइन ब्लेड्स हैं टरबाइन ब्लेड्स हैं ये शेफ्ट हैं पानी को काफ़ी हाइट पे स्टोर किया गया है दस द एनर्जी इज़ स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ये वाटर जब बहुत ही ज़्यादा हाइट से इस ब्लेड पे गिरेगा तो होगा क्या पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी कैनेटिक एनर्जी में किसकी कैनेटिक एनर्जी रोटेशन एनर्जी में ये रोटेट करेगा यानी एनर्जी uh, में चेंज होगी दैट मींस हाइड्रोलिक टर्बाइन और वॉटर टर्बाइन डिवाइस इन विच द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाटर इज कन्वर्टेड इंटू कैनेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रोटेशन ऑफ द ब्लेड यानी ब्लेड के रोटेशन के फॉर्म में हमें जो एनर्जी मिल रही है वो हम यूज यूज कर रहे हैं कैस में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए कैसे ये रोटेशन मिला हमको इसको ब्लाइट ब्लेड uh, के टर्बाइन रोटेट किए इसको कनेक्शन किया हमने कपलिंग के थ्रू जनरेटर में और जनरेटर से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल गई इस तरीके से पावर जनरेशन होता है हाइड्रोलिक टर्बाइन या वाटर टर्बाइन से तो यहाँ पर बेसिकली दिस इज वाटर टर्बाइन अब हम लोग देखते हैं देखिए यहाँ पे Z1 की वैल्यू ले रखी है Z1 की वैल्यू रखी है Z2 की वैल्यू सेंटर से डिफरेंस लेकर के हमने जीरो मान रखा है ठीक है उसको ले सकते हैं हम लोग अब देखते हैं ये क्वेश्चन है हमारी फर्स्ट लो एक क्वेश्चन यहाँ पर सारी चीज़ें नॉन है इंटरनल एनर्जी प्रेशर पोटेंशियल एनर्जी कनेटिक एनर्जी क्यू डब्ल्यू ये सारी एक जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है इसको क्यू की वैल्यू ज़ीरो है हम लोग एक कंडीशन लेके चल रहे हैं कि मान लीजिए कि वाटर टर्बाइन में किसी भी तरह का अगर हीट इंट्रैक्शन नहीं हो रहा है या हीट हम लोग बाहर से नहीं दे रहे हैं या बाहर से हीट अंदर से हीट बाहर नहीं निकल रही है तो हम ये मान के चलेंगे कि यहाँ पे डेल्टा क्यू या क्यू की वैल्यू ज़ीरो है अगर हो सकता है कभी कभी कि क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में दे रखा है कि क्यू की वैल्यू भाई आपको कंसिडर करके चलना है तो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग लेके चलेंगे वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन की कंडीशन क्या है तो डेल्टा क्यू की वैल्यू यहाँ पर हम लोग जीरो लेके चल रहे हैं डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमने इससे पहले भी डिस्कशन किया था ये यहाँ पर ज़ीरो इसलिए लेके कर चल रहे हैं क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि जो वाटर इनपुट पे है उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब जो इंटरनल एनर्जी है एम उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है जिसकी वजह से जो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है जिसकी वजह से हमारा इंटरनल एनर्जी कॉन्स्टेंट है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी हमारी ज़ीरो तो डेल्टा यू की वैल्यू ज़ीरो हो गई क्योंकि इनपुट पे आउटपुट पे टेम्परेचर हम ये मान के चले चेंज नहीं हो रहे हैं वीवन स्पेसिफिक वॉल्यूम हम लोगों ने इससे पहले भी डिस्कशन किया था कि हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि भाई वाटर कंप्रेस इनकम्प्रेसिबल है पहली चीज़ तो यानी वाटर को आप जितना भी प्रेस प्रेशर क्रिएट कर लीजिए उसका वॉल्यूम जनरली चेंज नहीं होता है वो कंप्रेस नहीं होता ठीक है तो हम ये मान के चलते हैं दिस इज इनकम्प्रेसिबल वाटर इज़ इनकम्प्रेसिबल दैट मीन्स द स्पेसिफिक वॉल्यूम कैन बी टेकन एज कॉन्स्टेंट विच इज इक्वल टू वी जेड टू की वैल्यू रेफरेंस में लेकर के हम लोग चलते हैं कि जो वाटर हाइट जो परफॉर्मेंस है टर्बाइन की वो इनपुट पर तो डिपेंड कर रही है हाइट पर अब उसके बाद वॉटर कहाँ जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं परफॉर्मेंस डिपेंड नहीं कर रहा है कि टर्बाइन आपकी कितने हाइट पर रखी है कि कितना पानी जो निकलने वाला है आउटपुट का उस उसका एलिवेशन कितना है डेटम से इस पर पे डिपेंडेंट नहीं हो रहा है तो यहां पर हम लोग मान के चल रहे हैं जेड टू की वैल्यू जीरो है या अगर हम लोग मान के चले कि सेंटर से अगर रेफरेंस लेके चलें तो वहां पर भी हम लोग कह सकते हैं कि जेड वन को लेके चल रहे हैं और जेड टू की वैल्यू जीरो है हमारी तो उन सारी कंडीशन को इक्वेशन में रखने के बाद जो हमारी इक्वेशन आ रही है वो कुछ ये आ रही है डब्ल्यू की वैल्यू वर्ड हमको मिल रहा है दैट इज पॉजिटिव को हम लोग जीरो लेके चल रहे हैं तो यहां पे क्यू का टर्म नहीं है बाकी टर्म जो है वो हम लोगों ने लिख रखे हैं ये फाइनल आपकी टर्बाइन के लिए ओके। okay? न्यूमेरिकल देखते हैं अ टर्बाइन ऑपरेटिंग एंड स्टडी फ्लो कंडीशन रिसीव फोर्टी फाइव हंड्रेड किलोग्राम ऑफ स्टीम पर आवर द स्टीम एंटर्स टर्बाइन एट अ वेलोसिटी ऑफ ट्वेंटी एट हंड्रेड मीटर पर मिनट स्टीम जिस वेलोसिटी से एंटर कर रही है वो गिवन है एलिवेशन ऑफ 5.5 पॉइंट फाइव एंड स्पेसिफिक एंड थेरेपी ऑफ दिस इट लीवस द टर्बाइन एट ए वेलोसिटी ऑफ 5600 मीटर पर मिनट एंड एलिवेशन ऑफ 1.5 मीटर एंड देन स्पेसिफिक एंड थेरेपी दिस हीट लॉसेस फ्रॉम द टर्बाइन टू द सराउंडिंग इज़ गिवेन डिटरमाइन द पावर आउटपुट ऑफ द टर्बाइन आपको क्या निकालना है सारी कंडीशन आपको दे, दे रखा है ठीक है जो जो पहले दे रखी है चीजें उसको हम लोग देख लेते हैं उसके बाद क्या करेंगे जो हम लोगों ने इक्वेशन ड्राइव किया है इक्वेशन जो, जो हम लोगों ने दे रखा है उसमें सिंपली इक्वेशन में सारी वैल्यूज रख करके हम लोग इसमें जो पावर आउटपुट हमें निकालना है वो हम निकाल लेंगे जो वैल्यूज गिवन है हमारी तो क्वांटिटी ऑफ द स्टीम सप्लाई टू ट्रमाइंग एम की वैल्यू गिवन है एम की वैल्यू आपके गिवन है किलोग्राम पर आवर वन फोर फाइव डबल जीरो स्टीम विलासिटी एट द एंट्रेंस बेसिकली फोर फाइव स्टीम विलासिटी एट द एंट्रेंस टू ट्रबाइन ये भी हमारे गिवन है सीवन की वैल्यू ट्वेंटी एट हंड्रेड मीटर पर मिनट एलिवेशन आपका गिवन है जेड वन की वैल्यू गिवन है स्पेसिफिक एंड थेल एफ एंट्रेंस पे गिवन है ट्वेंटी एट हंड्रेड किलोजूल पर के जी स्टीम विलासिटी एट एग्जिट की वैल्यू गिवन है फिफ्टी सिक्स हंड्रेड एलिवेशन एट एक्ज इज गिवेन वन पॉइंट फाइव मीटर स्पेसिफिक एंथेल्पी एट एक्ज इज गिवेन दिस इज गिवेन हीट लॉस फ्रॉम द टर्बाइन टू द सराउंडिंग इतने अमाउंट ऑफ हीट लॉस हो रहा है यानी द हीट इज बिंग रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम इन दैट केस क्यू की वैल्यू माइनस सिक्सटीन थाउजेंड किलोजूल पर आवर होगी इसकी वैल्यू गिवन है अब सिंपली क्या करना है सिंपली सारी चीज़ें हमारी गिवन है इन सब की कंडीशन जो भी हमारी चीज़ें गिवेन है उन सबको फर्स्ट लॉ क्वेश्चन में रखेंगे कुछ रीअरेंज करेंगे सिंपली कैलकुलेट करेंगे और उसकी वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे क्या किया गया यहाँ पे सारी वैल्यूज को रख करके W जो अन है उसको एक तरफ फिर कैलकुलेशन ये सारी कर रखी है यहाँ पे एक चीज़ और जानने वाली है कि यहाँ पर वन थाउजेंड से डिवाइड किया गया इसको हमने पहले भी डिस्कशन किया था ये हम तब करेंगे यहां पर एच की वैल्यू आप देख सकते हैं एच की वैल्यू एच टू की वैल्यू टू थ्री जीरो जीरो एच वन की वैल्यू टू एट जीरो जीरो किलो जूल पर के जी में दे रखा है किलो जूल पर के जी में दे रखा है यानी आपकी आपको सारे जो पार्ट्स हैं उनकी डायमेंशन आपको कंसिडर करके चलना पड़ेगा इसीलिए यहाँ पे 1000 से डिवाइड किया गया है क्योंकि हाफ सी स्क्वायर में जो डायमेंशन होगी उसकी वो किलो में नहीं होगी या तो किलो के फॉर्म में उसको चेंज कर लीजिए वन थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर लीजिए या तो वन थाउजेंड से यहाँ पे डिवाइड कर लीजिए स्टैटिक एनर्जी निकालने के लिए भी आप वन थाउजेंड से डिवाइड करेंगे क्योंकि वहाँ पर भी वैल्यू वन किलो के फॉर्म में नहीं दे रखी थी सिंपली सबकी वैल्यूज बराबर करके डब्लू की वैल्यू हमारी निकल आई है सिक्स थ्री थ्री कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर होगा सिक्स थ्री थ्री पॉइंट फोर फोर किलोवाट इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि वर्क आउटपुट कितना आया द गिवन कंडीशन एक और न्यूमेरिकल देखते हैं द वर्किंग फ्लूड इन स्टडी फ्लो प्रोसेस फ्लोस एट अ रेट ऑफ 2.20 kilogram per minute the fluid reject 100 kilojoule per second passing through system the condition of the fluid at the inlet and the outlet is given c1 p1 u1 v1 small v1 c2 p2 u2 small v2 the suffix 1 indicate the condition at inlet and 2 indicate At outlet condition of the system, determine the power capacity of the system in megawatt, and change in potential energy may be neglected. यानी yani, potential energy को neglect किया जा सकता है, और uh, power capacity आपको निकाल लीजिए. ये simply system दे रखा है, one पे condition दे रखी है, one, two पे condition दे रखी है. First law के question लगाएंगे, और simply जो condition दे रखी है, उसमें लगा करके कैलकुलेट कर लेंगे जो हम लोगों ने इक्वेशन डिराइव की थी यहां पे velocity, की वैल्यू दे, दे, दे रखी है प्रेशर की वैल्यू दे रखा है इंटरनल एनर्जी दे रखी है स्पेसिफिक वॉल्यूम दे रखा है पॉइंट टू पे वेलोसिटी हमारी गिवन थी 140 मीटर पर सेकेंड प्रेशर की वैल्यू गिवन है 1.2 बार पार को चेंज करेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में तो ट्वेंटी फोर फाइव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सिमिलरली यहां पे ट्वेंटी फोर फाइव से मल्टीप्लाई किया गया इंटरनल एनर्जी वन फोर डबल जीरो दे रखा है किलोजूल पर के जी स्पेसिफिक वॉल्यूम की वैल्यू दे रखी है वन पॉइंट थ्री मीटर क्यूब पर के जी हीट रिजेक्टेड बाय द फ्लूट किलो जूल हंड्रेड किलोजूल पर के जी भी वैल्यू आपको दे रखी है क्या करेंगे सिंपली ये है हमारे पास ये जनरल इक्वेशन है बेसिकली जो इसी इक्वेशन को बेसिकली हम लोगों ने देखा था इससे पहले एम के फॉर्म में मास के फॉर्म में रखा है इंटरनल एनर्जी प्रेशर स्पेसिफिक वॉल्यूम वेलोसिटी पोटेंशियल एनर्जी क्यू सेम टू पॉइंट के लिए इंटरनल एनर्जी प्रेशर वेलोसिटी पोटेंशियल एनर्जी और डन नेगेटिव साइन फॉर क्यू क्यू के लिए हम लोग नेगेटिव साइन लेके चल रहे हैं क्योंकि आपको क्वेश्चन में गिवन है द सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट इज़ बीइंग रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम अगर किसी भी सिस्टम से हीट रिजेक्ट हो रही है तो उसके लिए हम लोगों को क्यू की वैल्यू नेगेटिव लेके चलना है अगर हम अगर ये क्वेश्चन में दे रखा होता कि हीट एडिशन हो रहा है किसी भी कारण किसी भी वजह से तो वहाँ पर हीट का एडिशन होगा तो उस केस में प्लस पॉजिटिव वैल्यू लेके चलना पड़ेगा एंड पॉजिटिव साइन ऑफ द डब्ल्यू वर्क डब्ल्यू के वैल्यू पॉजिटिव लेके चल रहे हैं क्योंकि यहां पर ये कंडीशन है देखिए वर्क डिटरमाइन द पावर कैपेसिटी ऑफ द वर्क ठीक है तो यहां पर W की वैल्यू हम लोग पॉजिटिव लेके चल रहे हैं क्योंकि सिस्टम डेवलप वर्क ठीक है क्योंकि द सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क इज बीइंग डेवलप बाय द सिस्टम अगर मान के चलिए अगर आपको वर्क निकालना ही है अगर वो मान लीजिए बाई चांस बाद में नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब ये है कि वो वर्क कंज्यूम कर रहा है क्योंकि हमें जो कैलकुलेट करने वाली चीज़ें हमें पता तो है नहीं तो इसका मतलब ये है कि वो पॉजिटिव भी आ सकता है नेगेटिव भी आ सकता है पहले अगर पॉजिटिव लेके चलेंगे बाद में अगर नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब ये है कि वो एनर्जी प्रोडक्शन डिवाइस नहीं है बेसिकली सॉरी वर्क प्रोडक्शन डिवाइस नहीं है वर्क कंज्यूमेबल डिवाइस ठीक है तो वो डिपेंड करेगा क्योंकि हमें निकालना है वर्क आउटपुट तो वो डिपेंड करेगा आप उसकी वैल्यू अपने आप आ जाएगी और कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग उसको देख लेंगे तो डब्ल्यू डब्ल्यू की वैल्यू सिमिलरली सारी कंडीशन दे रखी है यहाँ पे जेड वन जेड टू की वैल्यू जीरो ले रखी है पोटेंशियल चेंज इन पोडिशन जीरो यहाँ पे सेम सबको एक तरफ करके डब्ल्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए आएगी टू पॉइंट फोर सेवन वन एट मेगावाट इसी तरह साइंटिफिकल पंप इसके लिए बात कर लेते हैं 50 किलोग्राम ऑफ वाटर पर सेकेंड द इनलेट एंड आउटलेट प्रेशर गिवेन है सक्शन इज 2.2 मीटर बिलो द सेंटर ऑफ द पंप डिलीवर्स 8.5 मीटर अबव द सेंटर ऑफ द पंप सक्शन एंड डिलीवरी पाइप डायमीटर इज गिवेन डिटरमाइन द कैपेसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर पंप जैसे क्वेश्चन गिवन है इसके बारे में ऐसे क्वेश्चन और भी हम लोग लगा चुके हैं 8.5 गिवन है तो 8.5 लिख रखा है टू पॉइंट है वो भी लिख रखा है पंप है इलेक्ट्रिक मोटर कनेक्टेड है वर्क आउटपुट आप दे रहे हैं यानी वर्क इज वर्क इज बींग गिवन टू द दिस्टम ड्यूअल पंप की बात कर रहे हैं हम लोग जो जो कंडीशन आपके हमारे पास दे रखी है क्वेश्चन में वो वो लिख रखा है हम लोगों ने जो जो कंडीशन दे रखी है फर्स्ट लॉ इक्वेशन जो हम लोगों ने पहले देखा था सिंपली इसमें सारी वैल्यूज रख करके कैलकुलेट करके वी वन इज इक्वल टू वी टू क्योंकि वाटर हमारा इनकम्प्रेसिबल है उस केस में वी वन इजोल टू टूल टू वी रिकलेक्ट वी की वैल्यू वन अपॉइंट वन थाउजेंड करेंगे क्योंकि ये डेंसिटी का रिवर्स होगा वन अपॉइंट डेंसिटी होगा डेंसिटी की वैल्यू हमें पता है वन थाउजेंड होती है इसकी वैल्यू फिर मास अगर देखें उसकी वैल्यू तो ये आया है एरिया इंटू विलासिटी वॉल्यूम इंटू डेंसिटी डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम 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 कट जाएगा तो मास अपॉन टाइम यानी मास फ्लो रेट की बेसिकली हम की ये वैल्यू हमारी मिल जाएगी और फिर जिससे सी वन सी टू की वैल्यू आ जाएगी ये वैल्यू यहाँ पर रख करके हम लोग सिंपली डब्ल्यू की वैल्यू निकाल लेंगे क्वेश्चन से जो हम लोगों ने डिराइव किया था इस तरीके से हमारा जो आंसर है ट्वेंटी टू पॉइंट टू किलो वॉट आ जाएगा जो रिक्वायरमेंट थी हमारी क्वेश्चन की तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि ट्रबाइन या फर्स्ट लॉ इक्वेशन और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो किस तरीके से यूजफुल है हमारी डेली लाइफ में इंडस्ट्रियल uh, लेवल पे सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कशन किया कुछ न्यूमेरिकल लगाएं अब हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ के बारे में आगे अपने आगे के सेशन के बारे सेशन जब होंगे हम लोग के ओके okay? नमस्कार